बीजेपी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री के बधाई दिया और आभार जताया। प्रवासी, जब राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार ने की उपेक्षा के कारण प्रवासी मजदूर नोएडा के बॉर्डर पर, झांसी के बॉर्डर पर और मथुरा आगरा के बॉर्डर पर जब लाखों श्रमिक आए तो वहां के कार्यकर्ताओं ने लगभग 50 से 70 दिनों तक अपना किचन चलाया और 5000 से लेकर 50000 तक भोजन की व्यवस्था लोकल कार्यकर्ताओं ने किया और गरीब से गरीब कार्यकर्ताओं ने भोजनालय में 5 किलो आलू, 2 किलो आटा जो भी बना रोज देने जाते थे और प्रवासी श्रमिकों के लिए 185 स्थानों पर 10,33,000 और श्रमिकों को मास्क वितरण 2 लाख, श्रमिकों को ऐसे पादुका 47,000 व्यवस्था कार्यकर्ताओं ने किया। एक केरल का उदाहरण है, अपने गोरखपुर के निवासी उमेश कनौजिया जी केरल में थे, फंसे हुए थे कोरोना संक्रमण के कारण। वो 6 महीना से वहां नौकरी कर रहे फंस गए थे, अपने माता पिता, अपने पत्नी और बच्चों के बारे में सोच रहे थे कैसे पहुंचेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी के कारण ट्रेन से 1 रुपया शुल्क नहीं लगा लखनऊ आए, फिर रोडवेज के बसेस, बस से घर तक पहुंचाया गया और रास्ते में कार्यकर्ता सरकार के द्वारा उनको भोजन की व्यवस्था की गई। मीडिया को भी बहुत बधाई देता हूं कि संगठन और सरकार की अपने 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 प्रेस में, अपने पत्र में स्थान दिया, इसलिए मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। सेवा कार्य में जो अनुभव आया है, जैसे जहां पार्टी के कार्यकर्ता संपर्क अपना बढ़ाए हैं, जैसे मजदूर हैं, रेहड़ी हैं, ठेला वाले, विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिक वर्ग, राहत सामग्री में भोजन पैकेट, राशन, अन्य सामग्री वितरण का कार्य भाजपा द्वारा किया गया जिसका समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आम जन की धारणा भाजपा नेतृत्व के प्रति अच्छी बनी है। लॉकडाउन के दौरान मंडल के कार्यकर्ता डिजिटल फ्रेंडली हो गए हैं, अब मंडल बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो रही है। सेवा कार्य में अन्य सामाजिक संगठन से भी व्यापक संपर्क हुआ है। भाजपा के कार्यों ने यह सिद्ध किया है कि राजनीति एक सेवा कार्य है। जब उत्तर में राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियां सेक रहे थे उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन सेवा में अपने को समर्पित कर दिए थे। ऐसे देव तुल कार्यकर्ताओं को, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं और आप सभी मुख्य अतिथि को भी नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। जितने बड़ी मात्रा में काम हुआ है उत्तर प्रदेश में और जिस प्रकार से सरकार ने और संगठन ने इन सारी चीजों को संभाला है वो अपने आप में बहुत बधाई के पात्र हैं। काशी का मैं सांसद रहा हूं तो मैं लगातार काशी के लोगों से बातें करता रहता था और इसके कारण कितने प्रकार के काम हो रहे हैं, कैसे काम हो रहे हैं, इसकी बहुत लगातार मुझे जानकारी मिलती थी। वहां सरकार के लोगों से भी संपर्क में रहता था। मैं सभी कार्यकर्ताओं से, जब ये मैं वृत्त सुन रहा था, मैं सच में बताता हूं कि इतनी बड़ी इसकी व्यापकता, इतनी विविधता, इतने बड़े स्केल पर और इतने लंबे अरसे तक हिंदुस्तान के हर कोने में, मैं समझता हूं ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा सेवा यज्ञ है। अगर इसको दुनिया के किसी पश्चिम के देश में ऐसी घटना घटती तो पूरे विश्व में इसका जय जयकार चलता, कैसे किया लोगों ने, लोगों की शक्ति क्या होती है। मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूं, क्या हम हर मंडल की एक डिजिटल बुकलेट इस पूरे काम को समेटते हुए
लोगों के अनुभव हो, उनके इंटरव्यूज हो, उनकी चिट्ठियां हो, ऐसे समय लोगों ने गीत बनाए, कविताएं बनाई हैं, सेवा के काम हुए हैं, हर मंडल की एक डिजिटल बुक, बाद में हर डिस्ट्रिक्ट की उसका एक कंपाइलेशन वाली अच्छी डिजिटल बुक, और फिर राज्य की एक डिजिटल बुक, और फिर पूरे देश की एक डिजिटल बुक। ये चीजें ऐसी हैं जो इतिहास में, भविष्य में लोगों को प्रेरणा देने वाली है। और हम तय करें कि 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है, तब तक हम मंडल की, जिले की और राज्य की और पूरे संपूर्ण भारत की एक डिजिटल बुक हम प्रसिद्ध करेंगे। कोई 15 अगस्त तक कर लेगा, कोई 20 अगस्त तक कर लेगा, कोई 25 अगस्त तक करेगा, लेकिन 25 सितंबर को आखिरी हम लॉन्च करें, ऐसा एक कार्यक्रम बना सकते हैं क्या? और मैं चाहूंगा कि केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर एक एडिटोरियल बोर्ड बने, बहुत बारीकी से चीजों को इकट्ठी की जाए। ये मानव इतिहास की बहुत बड़ी घटना है, मैं यहां बैठकर इसको भली भांति देख सकता हूं। आपको तो वहां लगता होगा कि आपने इतने हजार लोगों को पादुका दी, आपने इतने लाख लोगों को खाना खिलाया, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा है ये। और इसलिए मैं आप सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि इसका डॉक्यूमेंटेशन हो, बहुत ही अच्छे ढंग से उसको एडिटोरियल बोर्ड काम करे। और दूसरा मेरा आग्रह है कि कम से कम 3 भाषाओं में हो, कम से कम। एक आपकी मातृभाषा, दूसरा हिंदी और तीसरा अंग्रेजी, क्योंकि दुनिया इसको देखेगी। आप मेरी बात पे भरोसा कीजिए। तो इतना बड़ा काम, इतना व्यापक काम और इतना बड़ा जन सेवा का यज्ञ, ये मानव इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। मैं फिर एक बार, कोरोना की इस लड़ाई में इसी सेवा यज्ञ ने बहुत बड़ी ताकत दी है। और इसलिए एक राजनीतिक दल के रूप में आप लोगों ने जो काम किया, बधाई के पात्र हैं। समाज के भी सभी संगठनों ने, एनजीओ ने, सिविल सोसाइटी ने, वे भी सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर एक बार उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। मुझे आज 7 राज्यों का वृत्त सुनने का अवसर मिला है। बहुत से राज्य हैं, हर गांव की अपनी अनुभव की कथा है। मैं बाकी राज्यों से आग्रह करूंगा, अगर आप अपना वृत्त मुझे लिख करके भेज देंगे तो मैं जरूर उसको देखूंगा, आपके प्रेजेंटेशन को देखूंगा, क्योंकि ये मेरा दायित्व बनता है कि हिंदुस्तान के हर कोने में आप सबने जो काम किया है उसको मैं खुद जानूं, देखूं।